नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई नेता इमरान खान के खिलाफ प्रतिबंधित फंडिंग और तोसा खाना मामले में केस दर्ज किया गया है, जहां पाकिस्तान सरकार के इस कदम पर पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद अहमद ने चेतावनी देते हुए कहा कि इमरान खान को अगर गिरफ्तार करने या पार्टी तोड़ने की साजिश की गई तो देश में बगावत की गति तेज होगी। बांग्लादेश के वित्त मंत्री मुस्तफा कमाल ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए चीन से कर्ज ले रहे विकासशील देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि चीनी कर्ज लेने से पहले दो बार सोचना चाहिए, क्योंकि चीन के खराब ऋण नीतियों ने श्रीलंका सहित कई देशों को ऋण संकट में डाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी वरबरा राव को जमानत दे दी। यह जमानत चिकित्सीय आधार पर दी गई है। राव को पुलिस ने 2018 में गिरफ्तार किया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने घोषणा की है कि फीडे 44 में शतरंज ओलंपियाड में कांस्य पदक जीतने वाली भारत बी और भारत ए महिला टीमों को 1-1 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमार स्वामी ने एक टिप्पणी को लेकर कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि शिवकुमार का बयान अपरिपक्वता और बेहद बचकाना है। असम और मिजोरम ने सीमा विवाद सुलझाने के लिए संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए, जहां दोनों पक्ष सीमा पर शांति बनाए रखने पर सहमत हो गया है। दोनों ही राज्य के बीच अब अगली बैठक अक्टूबर में होगी। पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा से निष्कासित हुई नुपुर शर्मा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां नुपुर शर्मा ने अलग अलग राज्यों में दायर सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज राजधानी लखनऊ से प्रदेश में 35 नए ANM प्रशिक्षण केंद्र और 3 शहरों में मुफ्त डायलिसिस सेंटर का शुभारंभ किया। इसके साथ ही ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग की सुविधा का भी शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर नागरिक को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है। बिहार में नीतीश कुमार ने महागठबंधन की नई सरकार के तौर पर मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, जहां राज्यपाल फागू चौहान ने इन दोनों नेताओं को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं बीजेपी ने नीतीश कुमार को विश्वासघाती बताया। पंजाब के पूर्व मंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया को रक्षाबंधन से पहले बड़ी राहत मिली है, जहां NDPS केस में फंसे मजीठिया को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आज जमानत दे दी। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत में खनन मुद्दे पर आज भारी हंगामा हुआ, जहां सदन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और इनेलो विधायक अभय चौटाला से तीखी बहस हुई, जहां विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उत्तराखंड की धामी सरकार में रिक्त चल रहे 3 मंत्री पदों को भरने के साथ ही विभिन्न निगमों, प्राधिकरणों व आयोगों में दिए जाने वाले दायित्व को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष के बुलावे पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार आज दिल्ली पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली आ सकते हैं। झारखंड के चाईबासा में मुहर्रम का जुलूस देखने जा रही बुजुर्ग पर भालू ने हमला कर दिया। बचाने गए कई लोगों को भी भालू ने घायल कर दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में भारी बारिश के बाद 1ली से 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी की घोषणा कर दी गई है, जहां कलेक्टर ने आज स्कूल संचालकों को निर्देश दिया कि जो बच्चे सुबह स्कूल जा चुके हैं उन्हें सुरक्षित घर पहुँचाया जाए। हिमाचल प्रदेश में आज विपक्ष के अधिकांश विधायक विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे, जहां विपक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार के 5 साल में जनता परेशान रही, किसी वर्ग को कोई सुविधा नहीं मिली। जम्मू में कश्मीरी हिंदू राहुल भट्ट के हत्यारे लतीफ समेत TRF के 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है, जहाँ मुठभेड़ जारी है।
बंगाल में सीबीआई ने मवेशी तस्करी कांड में तृणमूल कांग्रेस के बाहुबली नेता अनुव्रत मंडल को आज फिर पूछताछ के लिए तलब किया। इससे पहले सोमवार को अनुव्रत स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर पूछताछ के लिए नहीं गए थे। पश्चिम बंगाल से पूरी जा रही तीर्थयात्रियों से भरी बस पलट गई, जिसमें 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इन घायलों में 14 की हालत गंभीर बनी हुई है। महाराष्ट्र में एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य था। दुर्भाग्य से राज्य मंत्रिमंडल में 18 मंत्रियों ने कल शपथ ली, लेकिन एक भी महिला को मंत्री नहीं बनाया गया। यह भाजपा की मानसिकता को दर्शाता है। NIA और ATS ने राजस्थान के उदयपुर के चर्चित कन्हैया लाल मामले में आज प्रतापगढ़ जिले के पारसोला से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को जयपुर लाया गया। ओट्स में फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो हृदय के लिए फायदेमंद होता है। इससे हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा कम होता है। इसके अलावा फाइबर के चलते क्रीविंग की समस्या से भी राहत मिलती है। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र सैनिक बलों में सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर 30 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।